बहुत बड़ी डील है। दूसरी और इस वक्त मैं आपको रोकना चाहूंगी, जस्टिन ट्रूडो भी पहुंच गए एक के बाद एक, तमाम महाशक्तियां भारत पहुंचने का सिलसिला शुरू, जस्टिन ट्रूडो की तस्वीरें, और ये वही अंदाज, सांस्कृतिक छटा हमारी, हमारी पहचान, हमारी परंपरा, स्वागत का वही तरीका हमारे अलग अलग राष्ट्रीय अध्यक्षों के लिए। जस्टिन ट्रूडो की तस्वीरें इस वक्त हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। देखिए ये वही तैयारियां चल रही है, जो बाइडेन उसके बाद जस्टिन ट्रूडो, अलग अलग तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक पहुंचा भी रहे हैं। मैं आपका रुख करती हूं, लेकिन फिलहाल अब से कुछ देर पहले जो हमने जो बाइडेन को लेकर जिस तरीके से प्रोटोकॉल की तमाम तस्वीरें दिखाई थी, वही एक बार फिर से झलकिया। हर देश से हमारा अलग ही रिश्ता है, हर देश से हमारा अलग ही वास्ता है, और G20 सम्मेलन भारत को क्या कुछ देने जा रहा है उसकी झलकियां एक एक करके आपको एहसास हो भी रही होगी, क्योंकि जिस तरीके से जो बाइडेन का बॉडी लैंग्वेज रहा, जैसे वो भारत आते ही उनके चेहरे पर खुशी दिखी, वैसी ही खुशी जैसे वो PM से जब उनकी मुलाकात होती है तब होती रही है, और अब जस्टिन ट्रूडो भी पहुंच चुके हैं भारत, उसकी तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा भी रहे हैं, और ये वही तैयारियां, वही सांस्कृतिक छटा, वही भारत की पहचान, जिस रंग को विदेशी मेहमान हमारे देख के बेहद खुश, बेहद उत्साहित होते हैं। जब आज ही हमने एक अमेरिकी पत्रकार से इस बारे में जानना चाहा, तो उनका भी यही कहना था कि भारत आकर ऐसा लगता है मानो भारत में उत्सव हो रहा है, भारत में एक अलग ही माहौल है। देश की राजधानी दिल्ली में ये इस वक्त अगर आप दिल्ली की अलग अलग एंगल से तस्वीरें देखेंगे तो वाकई आपको लगेगा कि दिवाली का दिन है। उसी तरीके से साजो सजावट, उसी तरीके से विदेशी मेहमानों का स्वागत, मकसद सबके सामने साफ है कि भारत के कद को बढ़ाना है, भारत को विश्व गुरु बनाना है। हालांकि अब बनाने भर की बात नहीं है, भारत बहुत कदम आगे बढ़ चुका है। राष्ट्राध्यक्षों के आने से, उनके रहने से, उनके बातचीत से, उनके साथ द्विपक्षीय वार्ता से ये सब कुछ साफ हो चुका है, लेकिन G20 की जो कल से बैठक है उसके जरिए उन तमाम मुद्दों पर बातचीत होनी है जो बीते एक घंटे से हम आपके सामने वो मुद्दे रख रहे हैं। आतंकवाद का मुद्दा जो कि बहुत ही चुनौतीपूर्ण मुद्दा है, और भारत ने आज ही नहीं बल्कि इससे पहले कई दफा इस मुद्दे पर चर्चा की है, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय मंच पे, और एक बार फिर से इस पर फोकस किया जाना है, क्योंकि चुनौती भारत के सामने ही नहीं, दुनिया के कई ताकतवर देश जिसमें अमेरिका खुद है, इन सब ने वक्त वक्त पे इसे सहा है, और यही वजह कि जब आतंकवाद का मुद्दा आता है तो सब मुखर होकर एक साथ बात करते हैं। तो जस्टिन ट्रूडो पहुंच चुके हैं इस वक्त भारत, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, स्वागत किस तरीके से होना है, तैयारियां कैसी है, वो हम आपको इस वक्त तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं, लेकिन हमारा पूरा फोकस इस वक्त इसी पे है कि ये G20 भारत को क्या देने वाला है, इस G20 से दुनिया को क्या हासिल होने वाली है। 20 जो देश हैं, जो मेंबर हैं, उसके अलावा जो हमारे मेहमान देश हैं जिन्होंने स्पेशल गेस्ट बनाया गया है, उन्हें क्या हासिल होने वाला है, ये फोकस इस वक्त हम कर रहे हैं। लेकिन जो भारत का दबदबा है, जो भावर, जो भारत की शक्ति है, उसके बारे में इस वक्त तस्वीर बिल्कुल साफ हो चुकी है, और अगले दो दिन, अगला 48 घंटा बेहद खास, बेहद महत्वपूर्ण, ये तस्वीरें वक्त के साथ बदलती जाएगी। इन तस्वीरों में वो ताकत है जिसको दुनिया देख रही है, भारत की ताकत को दुनिया महसूस कर रही है, और फिलहाल एक और जो द्विपक्षीय वार्ता होनी है उस पर भी हमारा फोकस है।